हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपको अगर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर दिया गया है ये डेट और पूछा जाए कि इस डेट पर कौन सा दिन था, तो कैसे बताएंगे? आप सोचेंगे हाँ आज कौन सा दिन था, फिर कल कौन सा दिन होगा या फिर कल कौन सा दिन था, तो इस तरीके से तो बहुत टाइम लगने वाला है, फिर कहाँ आप बता पाएंगे? फिर टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए। देखिए कैसे मैं लगा रहा हूँ, ये टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर ये डेट सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट देना है कि फॉर्मेट क्या चाहिए, डेट डे का फॉर्मेट हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 टाइम D लिखता हूँ, अब 2 या 3 टाइम भी लिख सकते हैं, मैं 4 टाइम लिख देता हूँ। 4 टाइम लिख करके इसको बंद करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो 1/5/2023 को था मंडे और अब इसको करा दीजिए ड्रैग, ठीक है? तो देखिए जिस दिन जो भी दिन था वो दिन यहाँ आपके सामने है, देख सकते हैं, ठीक है? अब सपोज कीजिए 1/5/2023 को क्या था ये हमें पता करना है, तो हम एक बार चेक करते हैं या क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1/5/2023 यानी 1 मई की बात हो रही है और यहाँ पर 1/5/2023 यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, 1/5/2023, ठीक है? तो 1/5/2023 तो 1 तारीख को कौन सा दिन था, ये देखिए मंडे था तो मंडे यहाँ आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से 2 तारीख यानी 2 जून को कौन सा दिन था, तो 2 जून को क्या था, फ्राइडे था, तो यहाँ फ्राइडे भी नजर आ रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।